रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब दोस्त? मैं ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? तो आज का जो टॉपिक है हमारा रीडिंग बुक जो है पार्ट टू, उसके एमसीक्यूज के मुतल्लिक है। पिछले लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो हमने रीडिंग के एमसीक्यूज थे जो वो 150 तक कर लिए थे, तो उसमें जो था एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। जो 130 नंबर जो सवाल था उसकी जो ऑप्शन नंबर 1 मैंने आपको करेक्ट बताई थी वो गलत है, वो आप लोगों ने डिलीट कर लेना है, ठीक है। उसकी जो ऑप्शन नंबर 2 है उइजागा पूछोक हमीदा, उइजागा पूछोक हमीदा कहता है कुर्सियां कम है, यही जो है इसकी दुरुस्त जो है ऑप्शन है दूसरे नंबर वाली। तो मैं आप लोगों से जो है अगेन सॉरी करता हूँ कि मुझसे जो छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी, जल्दी में जरा था इसलिए मिस्टेक हो गई थी। तो दोस्तों आप लोगों ने कोशिश करना है कि ये जो है पहली वाली ऑप्शन जो है वो डिलीट कर देनी है, नेक्स्ट जो है 2 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, उइजागा पूछोक हमीदा, ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने जो है मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको बाकायदगी से मिल सके। तो नेक्स्ट जो है हम आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो है 151 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 151 जो है उसमें देखते हैं फिर कि तस्वीर को देखते हुए हमने कोशिश करनी है कि जो भी उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो उसके साथ मैच करती है हमने वो ही कोशिश करके वो ऑप्शन जो है वो करने की कोशिश करनी है। तो इसमें जो है ये देखें, फीमेल जो है वो घर में दाखिल हो रही है और जूते उतार कर दाखिल हो रही है, ठीक है। तो चौथी ऑप्शन जो है कहता है शिम्बरल फोको चिब आनेरो दुरो खब मीदा, ठीक है। शिम्बरल फोको चिब आनेरो दुरो खब मीदा कहते जूते उतार कर घर में दाखिल हो रही है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो कोरिया का एक कल्चर है कि वहां पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है कि हर बंदा जो है घर में घर के बाहर डोर पर जो है जूते उतारता है और जमीन पर फर्श पर वो जिंदगी बसर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल देखें क्या है कि ये नर्स जो है वो एक बेबी को जो इंजेक्शन लगा रही है, ठीक है। इससे जो मुताबकत रखते हैं हमने वही ऑप्शन ढूंढनी है किसी और को। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सारी ऑप्शन पढ़ के देखें, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को इसकी जो है करेक्ट ऑप्शन वही बताऊंगा। पहली ऑप्शन देखते हैं फिर खानोसा गा आई एगे चुसारल नुओको इस समीदा, खनोसा गा आइएगे चुसारल नुओको इस समीदा कहता है जो नर्स है वो बच्चे को इंजेक्शन लगा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है पहला जो है ये दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन की सवाल की तरफ चलते हैं फिर 153। इसमें देखें कि जो मेल है वो हैंडफोन के साथ फोन कर रहा है, तो आपने देखना है इसमें कौन सी ऑप्शन है जिसमें हैंडफोन का इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है। तो चौथी ऑप्शन पे वो कहता है ह्युंदे छोनारो थोंगारल हागो इस समीदा, ह्युंदे छोनारो थोंगारल हागो इस समीदा कहते हैं हैंडफोन के जरिए थोंगा जो है कॉल करने को, टॉकिंग करने को कहते हैं, हैंडफोन के जरिए वो फोन पर बात कर रहा है, यही इसका दुरुस्त आंसर है। तो नेक्स्ट जो है अगला 154 को देखते हैं। तो देखेंगे ये लोग जो हैं रास्ते को क्लीन कर रहे हैं, स्नो फॉलिंग हुई है और बर्फ को जो है वो हटा रहे हैं। कैसे हटा रहे हैं ये देख लेते हैं हम किस चीज से हटा रहे हैं। दूसरा देखते हैं इसका ऑप्शन आजोशी दरी नूनल चियो गो इस समीदा, आजोशी दरी नूनल चियो गो इस समीदा कहता है जो आदमी हैं वो बर्फ को जो है चियो को रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 155 की तरफ चलते हैं। आजमा जो है वो सुल कोची कर रही है, ठीक है। सुल कोची किसे कहते हैं, बर्तन धोने को। तो चौथी ऑप्शन जो है आजमोनी का सुल कोचीरल हागो इस समीदा, आजमोनी का सुलगोजीरल हागो इस समीदा के दादी अम्मा जो है या आजुमा जो है वो बर्तन धो रही है या डिश वॉशिंग कर रही है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 156 अगले सवाल की तरफ फिर चलते हैं। तो अगला सवाल जो क्या है कि ये दोस्त है जो सुन सूर्य के ऊपर जो है बॉक्स उठाकर और कहीं शिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तीसरी ऑप्शन देखते हैं, कहता संगशारल ओरंग कीगो इस समीदा, जो बॉक्स है सांगशा बॉक्स को कहा जाता है, ओरंग कीगो मूव करने को कहते हैं, शिफ्ट करने को, सांगशारल ओरंग कीगो इस समीदा बॉक्स जो है उनको शिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है, शिफ्ट कर रहा है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 157, तो देखते हैं इसमें से जो सबसे महंगी चीज कौन सी है, इसमें देख ले पहले
इसमें जो बैग महंगा है, दूसरे नंबर पे सस्ती से किताब है, उससे तीसरे नंबर पे जो है उषण जो है सस्ती है। ठीक है, तो सवाल इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जा रहा है कि सबसे महंगी चीज कौन सी है, तो तीसरी ऑप्शन जो है वो इससे मुताबिकत रखती है, खाबंगी चेल पिसब निदा, खाबंगी चेल पिसब निदा, कहते तो जो बैग है वो सबसे ज्यादा महंगा है, यही इसका दुरुस्त आंसर है तीसरा। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ फिर, 158। इसमें जो है जी फीमेल देखें, औरत जो है खिड़की को एरो का निशान जो देखें कि खिड़की को बंद कर रही है, ठीक है, तो उससे जो मुताबिकत रखता है हमने वही ऑप्शन जो है वो चूज करनी है, बाकी ऑप्शन जो है वो आप खुद से पढ़ के देखें ताकि आपकी वोकेबलरी जो है बेटर हो सके। तो मेरा मकसद जो है वो आपको रीडिंग स्किल जो है वो आपकी बेटर करना है, ठीक है। योगी का योजा गा छांगमुनल थादगो इस समिदा, योजा गा छांगमुनल थादगो इस समिदा, जो फीमेल है औरत है वो खिड़की को बंद कर रही है, ठीक है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 159, इसमें जो है सबसे कम उम्र किसकी है, इसकी औरत की है, रिया की है, और सबसे जो ज्यादा उम्र है वो रिन की है, और सबसे जो दरमियान में जिसकी उम्र आती है सुचिन की है। तो पूछा इसमें क्या गया है कि सबसे कम उम्र जो है वो किसकी है, ठीक है, तो रिया शीगा नाईगा खाजम चुक समिदा, रिया शीगा नाईगा खाजम चुक समिदा, जो रिया शी साहबा है उसकी नाई जो है वो सबसे कम है, यानी कि वो यंगेस्ट है, उसकी नाई जो है 29 साल है, तो यही दूसरा इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर, तो आदमी क्या कर रहा है, सर्फ के जरिए जो है वो कार को वॉश कर रहा है, ठीक है। तीसरी ऑप्शन जो देखते हैं, फिनो मूल रो छादुम छारल टक्को इस संविदा, फिनो मूल जो होता है वो लिक्विड सोप जो होता है उसे कहते हैं, ठीक है, छादुम छा गाड़ी को टक्को इस संविदा साफ करना वॉश करना, कहते हैं लिक्विड सोप के जरिए गाड़ी को वॉश कर रहा है, यही तीसरी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 161 की तरफ चलते हैं फिर, तो देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, ये सफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सफाई किसी चीज से ये कर रहे हैं यही हमने देखना है। चौथी ऑप्शन में कहता है बिचारुआ सिरे बाकी, ठीक है, झाड़ू और सिरे बाकी जो है इस तरह का जो है ये जो पकड़े हुए इन्होंने बेलचा टाइप, उसे सिरे बाकी कहा जाता है, वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह का होता है, ठीक है। बीजारुआ झाड़ू और सिरे बाकी के साथ इयो हायो चुम सुरल हागो इस समिदा, कि झाड़ू और सिरे बाकी जो है डस्ट पैन जो है उसके साथ जो लोग हैं वो सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, और कचरा जो है वो डस्टपैन में डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये चौथी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं फिर, ये देखें ये जो आदमी है ये भी सफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो चौथी ऑप्शन है इसको पढ़ के देखते हैं, कहते हैं आजोशी दरी गोरी, गोरी जो है वो गली को कहा जाता है, छुम सुरल हागो इस समीदा, आजोशी दरी गोरी रल चुम सुरल हागो इस समिता, के आदमी जो हैं वो गली को साफ कर रहे हैं, चौथी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल को देखें और तस्वीर को गौर से देखें कि ये एम्प्लॉयर जो है वर्कर जो है गाड़ी में ऑयल डाल रहा है, ठीक है, तो दूसरी ऑप्शन को हमने स्टडी करना है, ठीक है, देखते हैं कि ये मुताबिकत रखती है कि नहीं। चुयू सोए सो चिगुनी खीरमल नुओगो इस समिता, कहता है पेट्रोल पंप पर एम्प्लॉयर जो है ऑयल डाल रहा है, ऑयल गाड़ी में डाल रहा है, किसमें डाल रहा है, गाड़ी में, या गैस स्टेशन पर है वो ऑयल डाल रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर गैस स्टेशन भी साथ ही होते हैं और ऑयल स्टेशन भी साथ ही होते हैं। चूयू सो जो है पेट्रोल पंप को कहा जाता है, ठीक है, गैस स्टेशन को, कहते हैं आदमी जो है चूयू सो ऐसो चिगुमनी खीरमल नुओगो इस समिदा, आदमी जो है पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डाल रहा है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं 164, इसमें जो आप देख रहे हैं तस्वीर में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो है उनकी जो मुरम्मत कर रहे हैं या सेटिंग कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कौन सी बेटर रहेगी, चौथी ऑप्शन को पढ़ के देखते हैं, कहता है खोजांगे सो छोंगी फूफम, छोंगी फूफम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है, चूरी भागो इस समिता, चूरी जो है उनको असेंबलिंग करने को, यानी पार्ट्स को जब अकेले अकेले होते हैं उनके जो नट बोल्ट्स हैं उनमें जो शिफ्ट किए जाते हैं उनको टाइट किया जाता है, उनको आपस में जोड़ा जाता है, चूरी उसे कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं खोंग जांगे सो छोंगी फूफन चूरी भागो इस समीदा, कहते हैं फैक्ट्री में लोग जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स हैं उनकी असेंबलिंग कर रहे हैं, चौथा ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 64, 5 की तरफ चलते हैं, तो इसमें जो है लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये देखिए लोग जो हैं लटे कर और बिल्डिंग की जो शीशे हैं उनकी सफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो बेटर ऑप्शन है वो कौन सी है, सारम दरी खुछों खुमरी छांगमुनल टाको इस समीदा, ठीक है, सारम दरी खुछों
खोमोरी छांगमो नल ताको इस समिता के आदमी जो हैं वो लटककर मल्टीपल जो विंडोज हैं उनकी क्लीनिंग कर रहे हैं, मल्टीपल स्टोरीज की क्लीनिंग कर रहे हैं। ठीक है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फिर 166। तो इसमें जो है अब ऑप्शन कुछ इस तरह से कि आप लोगों ने गौर करना है, सारे चार चार जो सवाल हैं उनमें सदारी जो है, सदारी जो इससे वो रिलेटेड है। सदारी जो है इस तरह की जो सीढ़ी होती है उसे कहा जाता है, वहां पर जो है आपको एक सदारी वाली छा या गाड़ी मिल जाती है रेंट पर, जिससे जो है आप अपना सामान जो है किसी ऊंची बिल्डिंग में बड़े आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। उसके नीचे इस तरह जो है हाइड्रोलिक जो है पंप टाइप मोटर लगी होती है और बंदा जो है इसे नीचे जो है गाड़ी में वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और ये 2, 4, 5, 10 मंजिला तक इससे सामान जो है बड़ा इजीली, ये ऊपर जो है इसकी शेल्फ बनी होती है, इस पे जो है सामान शिफ्ट कर दिया जाता है और ये आसानी से जो है जिस मंजिल पर भी आपने जाना है उसकी खिड़की में जो ये है फिक्स कर दी जाती है, वहां पर आसानी से सामान ले जा ले आ सकती है। ठीक है, तो ये इस गाड़ी का काम है। सादारी रो ईसा छिमल उर्म की को इस समिता, सादारी रो ईसा छिमल उर्म की को इस समिता कहता है, सादारी के जरिए जो इलेक्ट्रिक लोडर सदारी है उसके जरिए फर्नीचर जो है सामान जो है उसको मूव कर रहा है। तीसरी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब बनता है। नेक्स्ट जो है आदमी क्या कर रहा है, इसमें जो देखें कि नामजा जो है वो क्या कर रहा है। दूसरी ऑप्शन में देखते हैं, नामजा गा ईसा छिमल उम्बन हागो इस समिता के आदमी जो है वो घर का जो सामान है बॉक्सेस हैं उनको मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 168। इसमें जो है आदमी क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की पैकिंग कर रहे हैं। तो चौथी ऑप्शन को देखते हैं, नामजागा कंप्यूटोरल फोजिंग हागो इस समिता, नामजागा कंप्यूटोरल फोजिंग हागो इस समिता, मर्द जो है वो कंप्यूटर की पैकिंग कर रहा है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं, फिर ये जो चीज है इसको कहते हैं थलसुगी। थलसुगी जो होता है वो ड्रायर को कहा जाता है, खोले जो होता है ये इसके अंदर जो कपड़ा है रस्सियों वाला उसे कहते हैं, खोले थलसुगी नुओसो मुरल चक्को इस समिता कहते हैं, खोले जो है कपड़े को थलसुगी में डालकर पानी को खुश्क कर रहा है, यही इसका दुरुस्त जवाब है तीसरा। तो नेक्स्ट जो है 170 को देखते हैं, और ये जो क्रेन है इससे जो आप क्या कर सकते हैं कि चीजें जो है बड़ी बड़ी हैवी हैवी चीजें जो है उनकी आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, उनसे उन चीजों को आप उठा सकते हैं। तो इसमें जो है चौथी ऑप्शन को स्टडी करना पड़ेगा, मुर्गोनल उम्बन हानन खींचोंगी इस समिता, मुर्गोनल उम्बन हानन खींचोंगी इस समिता कहते हैं, चीजों को कैरी करने वाली उठाने वाली क्रेन है। ठीक है, खींचोंगी जो है मशीन को क्रेन को कहते हैं। नेक्स्ट जो है 171 को देखते हैं फिर, और ये जो मशीन है इसे हर दोस्त को पता होगा कि इसको एक्सीवेटर कहा जाता है। नंबर एक ऑप्शन देखते हैं, तांगल, तांग जो है वो जमीन को कहते हैं, डबल डी को आ गया है तो तांग बोला जाएगा, तांगल फलते जमीन को खोदते वक्त सायुम इस्तेमाल होने वाली कोलसा की इमिदा एक्सीवेटर है। तांगल फलते सायुम हानन कोलसा की इमिदा जमीन को खोदते वक्त इस्तेमाल होने वाली एक्सीवेटर है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं फिर 172, और ये जो है लिफ्टर है, इसको कोरियन जबान में चिगेछा बोला जाता है। ठीक है, इससे जो है आप हैवी लोडिंग चीजें हैं 2, 3, 2.5, 3, 4 टन तक जो है वो उठा सकते हैं, ये अपने लेग्स पे उठाता है वजन को और शिफ्ट करता है। ठीक है, तो तीसरी ऑप्शन इससे मुताबिकत रखती है, इसे हम देखते हैं फिर। कहता है मुगुन जो है भारी, मुगुन चीजें, शिरो नानन चिगेछा इब्निदा कहता है भारी चीजों को जो है कैरी करने वाला लिफ्टर है, फोर्क लिफ्टर है, भारी चीजों को उठाने वाला कैरी करने वाला फोर्क लिफ्टर है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। तो नेक्स्ट जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर, ये क्या है आप देख सकते हैं, इसके साइड पे बारीक से कॉर्नर बने हुए हैं, ये आरी टाइप को चीज है, इससे क्या कर सकते हैं। नंबर दो ऑप्शन को देखते हैं, नामूरल चरलते सायुम हानन थोप इब्निदा कहता है, नामूरल चरलते सायुम हानन थोप इब्निदा, नामू काटने वाला दरख्त काटने वाला जो है वो आरी है। ठीक है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर 174। तो मांगछी जो है वो हथौड़ी को कहा जाता है, हमर भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरी ऑप्शन देखते हैं, कहता ओसल ओसल पाकुलते, ठीक है पाकुलते पाकोना, ठीक है पाकोना होता है लगाना ठोकना, ठीक है ओसल पाकोना मोसल सॉरी मोसल मोथ
मौत जो है चीज को बोलते हैं, मौसल पाको ना मौसल पिलते, मौस पाको जो है वो बोलते हैं लगाने को, ठोकने को, मौत पिलते जो है वो बोलते हैं निकालने को, मौसल पाको ना मौसल पिलते, कील को निकालते और ठोकते वक्त सुनन छंग थोड़ी इम निदा सनक इस्तेमाल होने वाली जो हथौड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यही इसका दुरुस्त जवाब है। अगली ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 175। इसमें जो है ये डस्टर है, झाड़ू है, इनसे क्लीनिंग की जाती है। ठीक है, पहली ऑप्शन जो है उसको देखते हैं, मोन्जी ना सिरे गिरल सुरो नैनन फी चारू इब निदा सुरो नैनन, यानी कि समेटने वाली झाड़ू फेरने वाला जो है सरेगी और मिट्टी को इकट्ठा करने वाला झाड़ू है ये। ठीक है, तो फी चारू जो है वो झाड़ू को कहा जाता है, मुंजी और सरेगी इनके कूड़ा क्रिकट और मट्टी को जो साफ करने वाला है वो झाड़ू है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 176 को देखते हैं, इसमें जी क्या है ये देखिए आप, एक होता है स्क्रू ड्राइवर, जिससे आप स्क्रू को ड्राइव करते हैं, टाइट करते हैं या खोलते हैं। ठीक है, एक होता है फोर साइडर, यानी चार मुंह वाला जो होता है स्क्रू ड्राइवर उसे कहते हैं। ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मुंह है। ठीक है, इसे हम सुहा टाइप कह सकते हैं। ठीक है, या सुम्बा कह सकते हैं। ठीक है, इसे क्या किया जा सकता है कि सुराख किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम चौथी ऑप्शन को है जो वो रीड करते हैं, कहते हैं नामूना लकड़िया छौंगी कागज में खूमोंगल निलते सनन सोंगोस स्मृदा। ठीक है, नामूना छोंगी ये खोमोगल लेलते सुन गोस इमदीदा, कहता लकड़ी या कागज में सुराख करने वाला सुवा है। ठीक है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 177, और ये जो देख सकते हैं अब कटर प्लायर है। ठीक है, कटर प्लायर से हम क्या कर सकते हैं, इससे जो है हम कोई धागा रस्सी को टाइप चीज से काट सकते हैं, कोई बिजली की वायर काट सकते हैं, स्टील वायर जो है वो काट सकते हैं। ठीक है, जाता है छोन सोन ईना, नंबर दो ऑप्शन जो है छोन सोन ईना, कहता है बिजली की वायर या छुलसा जो है वो स्टील वायर को कहा जाता है। कहता है छोन सोन ईना छुलसा रल चारल तेसन निफर इब निदा। ठीक है, छोन सोन ईना छुलसा रल चारल ते सुनन नीपर इब्निदा, कहता है बिजली की तार और स्टील वायर को काटते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं, यह काटने वाला प्लायर है, कटर प्लास है। ठीक है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर, 178। तो पीछे मैं आपको बता रहा था कि सिरबक्की जो है वो किसे कहते हैं, सिरबक्की इस जो है ये बेलचा टाइप चीज है, इसमें जो है आप कूड़ा उठा सकते हैं, पीछे हैंडल लगा हुआ होता है। ठीक है, तो खड़े होकर जो है झाड़ू के साथ आप समेट कर इसमें कूड़ा डालकर किसी डस्टबिन में डाल सकते हैं, तो इसे सिरबक्की कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी मैच करती है, मोन्जी ना सिरेगीरल सुरंथानन। ठीक है, मोन्जी ना सिरेगीरल सुरंथामनन सिरबक्की इस समिदा, सिरबक्की इस समिदा, मोन्जी ना सिरेगीरल सुरो थामा नन सिरबक्की, थामा जो होता है उठाने वाला, डालने वाला, यानी कि उसमें डालने वाला। ठीक है, तो मट्टी और कूड़ा करकट उठाने वाला सिरबक्की जो है बेलचा जो है गार्बेज बॉक्स या डस्ट बॉक्स कह सकते हैं, डस्ट पैन कह सकते हैं आप। ठीक है, कि वो है तीसरी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 179 की तरफ चलते हैं, और ये जो बुश होता है बड़ा सॉफ्ट सा और बड़ा सिल्की सा होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आप डस्टिंग कर सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की या कि फर्नीचर वगैरह की, तो इससे किस तरह डस्टिंग की जाती है, कहते हैं मोन्जीरल थोरो नेनन मोन्जी थोरी इब निदा, कहते हैं मोन्जीनन थोरो नेनन मोन्जी थोरी इब निदा, मिट्टी को साफ करने वाला ठीक है डस्टर है, सिर्फ और सिर्फ डस्टर है, इससे सिर्फ डस्टिंग कर सकते हैं, कूड़ा करकट नहीं इकट्ठा कर सकते। मोन्जीरल थोरो नेनन मोन्जी थोरी इब्निदा, यानी कि मोन्जी को मिट्टी को साफ करने वाला डस्टर है। ठीक है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है अगली ऑप्शन की तरफ चलते हैं फिर, 180। तो 180 में जो है आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल है, इसे आप सराह कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपने कोई है नट वगैरह जो है बनाना है, पिच वगैरह बनाने हैं, तो इससे जो है आप बना सकते हैं। तो दूसरी ऑप्शन को देखते हैं जो इससे मुताबिकत रखती है, कहता है नामू ना खुमसोगे, खुमसुक जो है मेटल को कहा जाता है, नामू लकड़ को, नामू ना खुमसुक है लकड़ या मेटल में खुमंगल, खुमंग जो है सुराख को, तुरुनन ठीक है तुरुनन छोंगी दिरिल इब निदा, छोंगी दिरिल इब निदा, कहता है
लकड़ या मेटल में सुराख करने वाली इलेक्ट्रिक ड्रिल है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है मेरा आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और जाते जाते आप लोगों ने क्या करना है कि मेरा चैनल जो है यूट्यूब पे जाने के बाद सर्च करना है, और वहां पे स्मार्ट कोरियन इन उर्दू के नाम से हमारा एक चैनल है, उसको जो है आपने सब्सक्राइब करना है और साथ बने बेल के आइकॉन पर जरूर क्लिक करना है, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको बाकायदगी से मिल सके। तो अब तक के लिए दोस्तों, फिर अल्लाह हाफिज।